हेलो माय स्टाइलिश फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का ये स्पेशल नाश्ता। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगता है, हर एज ग्रुप के लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए मैंने ली है पीली मूंग की दाल, जिसको 4-5 बार अच्छे से धोकर मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर अब इसका पानी निकाल दिया है। देखिए कितने अच्छे से फूल कर इसके दाने बड़े बड़े हो गए हैं। आप इसको हाथ से दबा कर देखिए, एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। दाल में जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो हम पीसने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे ईजली पिस जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 2 हरी मिर्चें डाल लेते हैं। मैं डाल रही हूँ इसमें 2 हरी मिर्चें, आप ज़्यादा या कम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4-5 लहसुन की कलियाँ, वो टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और 1/2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ताज़ा दही, इससे बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर आता है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं पीसना है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का होगा, एकदम फाइन पेस्ट सा हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बाउल को एक साइड में रख देते हैं और अब इसमें स्टफिंग करने का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, कटी हुई प्याज, अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। आप चाहें तो इसमें राई और करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। जब तक मेरी प्याज भुन रही है मैं इसमें एक बारीक हरी मिर्च काट के डाल देती हूँ। मेरी ये तीखी ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको पूरी डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी प्याज भुन गई है, इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, ट्रांसपेरेंसी ये हो गई है। अब मैं इसमें गाजर डालती हूँ, ये देखिए मैंने बहुत बारीक सी काटी है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और ये टमाटर, कितना सुंदर इसका कलर लग रहा है। देखिए आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। इन सब को ही अब हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 2 मिनट तक चलाते हुए हल्के हल्के। आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो वो सारी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पनीर डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है क्या सब्जी घर पे अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियाँ हमारी थोड़ी पक गई हैं, अब हम इसमें बॉइल्ड किया हुआ आलू कद्दूकस करेंगे बारीक। हमें कच्चा आलू नहीं लेना है, नहीं तो वो बनने में काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए हम यहाँ पे बॉइल्ड आलू ले रहे हैं। इसको हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। मैंने यहाँ 2 आलुओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ढेर सारा हरा धनिया, जिससे बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा। अब हम इसको अच्छे से मिलाकर भून लेंगे। ये देखिए सारा मटेरियल हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस मटेरियल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये अगर हम बच्चों को टिफ़िन में देना चाहती हैं मॉर्निंग में, तो आप ये मटेरियल रात में ही तैयार करके रख सकती हैं। दाल को पीस कर फ्रिज में रख लीजिए और सुबह सुबह फटाफट बन जाएगा रेडी। आपको मॉर्निंग में कोई टेंशन भी नहीं होगी और बच्चे भी खुशी खुशी सारा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। चलिए अब जब तक ये मटेरियल हमारा ठंडा होता है, हम इसके साथ के लिए बना लेते हैं एक चटनी जो बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसके लिए हम मिक्सी में ले लेते हैं कटा हुआ हरा धनिया, कुछ पुदीने की पत्तियाँ, 2 हरी मिर्ची, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी सी भुनी हुई रोस्टेड मूंगफली जो क्रंची फ्लेवर देगी,
कुछ लहसुन की कलियां, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, 1/4 स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून फ्रेश दही, जो बिल्कुल खट्टा नहीं हो। अब हम इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब आइए चलिए हम अपना नाश्ता रेडी कर लेते हैं। मसाला भी अब हमारा ठंडा हो चुका है और अब ये जो हमारा बैटर है इसको बहुत अच्छे से हम एक बार मिला लेंगे। ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है तो जितना आपका एक बार में यूज़ हो जाए उतना आप एक बाउल में अलग शिफ्ट कर लें और बाकी फ्रिज में रख दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 24 आवर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो मैं इसको थोड़ा निकाल लेती हूँ बाउल में। जो बैटर मैंने निकाला है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इनो। आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा फ्लफी बना आ जाएगा इसमें। अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है। इसीलिए जितना बैटर हमारा तुरंत यूज़ हो जाए उतने बैटर में ही हमको इनो ऐड करनी है। अब हम गैस पर एक पैन गरम होने रख देते हैं। इस पे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, फिर एक करछली की मदद से इस पे ये मटेरियल स्प्रेड कर देते हैं। उसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। अब हम गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे। जो हमने मटेरियल तैयार किया है अब उसमें थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, एक छोटी बॉल बनाएंगे, फिर उसको हाथ से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और इस तवे के ऊपर जो पैन केक बनाया हमने उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर से एक बार और मिक्सचर डाल देंगे इस तरह से। देखिए इसको पूरा कवर कर देना है बस। अब हम इसको कवर कर देंगे कुछ मिनट के लिए और पकने देंगे। ये देखिए अब इसको पकते हुए कुछ टाइम हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको पलट देंगे जिससे ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। हमने ऑयल लगा दिया है, अब इसको हम पलट देते हैं इस तरह से। अब हम एक बार फिर इसको ढककर पकने के लिए रख देते हैं जिससे ये अच्छे से पक जाए दाल हमारी। थोड़ा सा टाइम हो चुका है, अब हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसको एक बार फिर से पलट कर सेक लेते हैं। कितना सुंदर सिका है, बहुत ही टेस्टी और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब आप अगर इसको बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर इस चीज़ स्प्रेड कर दीजिए और थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल दीजिए, बहुत और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा इसका फ्लेवर और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फ़िलहाल तो अभी हम इसको ऐसे ही सर्व कर रहे हैं। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। पूरी फैमिली के लिए अगर आपको नाश्ता बनाना है ये बहुत ही हेल्दी और अच्छा नाश्ता रहता है, सब इसको बहुत ही पसंद करके खाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।